पदमपुर निर्वाचन मैदान रे धानमंडी तती स्टेज मैनेजमेंट पाई जोरदार प्रचेष्टा सत्वे चासी अस्तव्यस्त मंडी गुड़िकर अव्यवस्थार पहाड़ चासी चापर नवेम्बर 21 रु बरगढ़ जिलार सबु मंडी खोलिबा निष्पत्ति नेला जिला प्रशासन हेले पदमपुर सहित समग्र बरगढ़ जिले में किणाबिका प्रक्रिया आरंभ रुके पुणी बरगढ़ जिलार चासी को प्रतारित करिछंति राज्य सरकार नजर पकांतु झारबंद रे थिबा एही मंडी उपरे मंडी खोलिबार प्रथम दिन रु चासी धान बिकिबा पई मंडी को आनिछि हेले मंडी रु उठि पारुनी धान तीन दिन हेला सहसह अवस्था मंडी रे पड़ी रहिछि चासी चार दिन हेला दिन राति शीत काकर रे धान जगुछि निर्वाचन समय रे कटनी छटनी करि पारिबे नाही मिलर्स सेथिपाई जाणीशुणी मंडी रु धान उठा जाउ नथिबा अभिजोग हेउछि सेपटे मंडी रे सहसह धान अवस्था पड़ी रही थिले भी प्रशासन रो देखा नाही मिलर्स को अनाई अनाई धानावस्था उपरे सोई पड़ी चासी एपरिकी दिन राति धान जगिबा को पड़ुथिबारु बाध्य होई मंडी रे ही खिया पिया करुछंती चासी आउ एक दृश्य उपरे नजर पकांतु झारबंधर प्राथमिक कृषि समवाय समितिर गोदाम गृह कांथरे फाट उड़ी जाइछि आजबेस्टस वर्षा हेले बाहर धान भिजिबा सह गोदाम धान भी वर्षार भिजि गजा हेबा निश्चित तेणु चासी भाग्य रे खाली क्षति ही लेखा सब प्रकार समस्या इन देखा जाऊछे से हिसाब से तार समाधान लगी जेन प्रकार इन समस्या माने उपजुछे जेन माने इटा की परिचालन करछन से माने उठे देखबार कथा की प्रकार असुविधा होछे तार समाधान उठे करा जिवार कथा किंतु सेटा सब बेले समाधान नै हे परवा एतकी बरस हला परे भी तने हे असुविधा रे चासी सम्मुखीन होछे ए कटनी करसन सब पैकेट के 2 केजी क्विंटल के नै कटनी देले नै कटनी देले नै नियम सेटा खराब धान बोली थौ कहबे कते दिन जा धान पड़ी रहिसि ए मासे तक रही जउ छै नै हां केनता करसन चासी माने का करबे नै हले घर के नै जासन लगा दलाल बन ए से धान नेला भी से वापस हो जासी हरु खाली पदमपुर नुहे ओडिसा रा भातहांडी कह जाउथुवा बरगढ़ जिला रे नाना प्रकार समस्या जुगु धान संग्रह विपर्यस्त हेबा नै आशंका देखा दैछि पूर्व वर्ष भली चलित खरीफ सीजन रे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी धान संग्रह प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ति श्रृंखलित धान संग्रह व्यवस्था को विपर्यस्त करिवार परोक्ष उद्देश्य नै प्रशासन कार्य करथुवा चासी संगठन अभियोग करिछन्ति चलित खरीफ रे बरगढ़ जिलार 1,40,629 जन चासी धान बिक्री पाई पंजीकरण करिछन्ति चलित खरीफ क्रय समय 58 पैक्स 26 स्वयं सहायक गोष्ठी सह नुआ भावे 12 स्वयं सहायक गोष्ठी ओ विगत वर्ष रे भाग नैथिबा 112 मिलर्स भाग नेबाकु स्थिर होइछि एथिसह सर्वनिम्न साधारण धान क्रय मूल्य 2040 टंका एवं ग्रेड ए पाई 260 टंका क्विंटल प्रति दर धार्य करा जाइछि 21 दिन विलंबरे राज्यर बरगढ़ जिलारे धान किणा आरंभ होइछि धान संग्रह केन्द्र रे भित्तिभूमि बस्ता तारपोलिन सह पानीय जल टॉयलेट सुविधा चासिंक पाई विश्राम आश्रयस्थली भली 16 सुविधा करिया पाई जोगाण विभाग प्रमुख सचिव समस्त जिलापालंकु चिट्ठी लिखिथिले हेले एबे भी सबु मंडी रे परिस्थिति भयानक एपरिकी जाय किछि चासिंक टोकन मिलि नथिबा अभियोग होइछि ई व्यवस्था टिके धान अधिका आबार कथा कम आसुछि सेटा बाहर बिकबार के धान के पड़ुछे आमको टोकन मुई डिसेम्बर 1 रु देथिनि किंतु मोटा डिसेम्बर 23 रे आसीजे पूरा मासे धान मोर गदा हेजे खेत गदा हेजे कहार बोले आगर देवार कथा आज बहुत पछा दौन सरकार यहाँ इ वर्ष बोधे नहला तो डिसेम्बर 23 डिसेम्बर 5 तारीख खुलवार थी इन आगर खुली दे इलेक्शन लाइन खास एंता कारबार हो व्यवस्था तो इ वर्ष आज्ञा सरकार तो लेट कर दे माने डिसेम्बर 7 तारीख कर दिला इलेक्शन हैला बोली कहलु बोली माने इरा आके आनी छन 21 तारीख के आ कलेक्टर निके गला चासी के फालतू चासी बोलुछे कलेक्टर हाँ बोले चासीर समस्या कण बुझे मैंने पदमपुर रे रोजगार प्रमुख माध्यम होस हेले दुर्भाग्यवशत चाष ही एठार सर्वाधिक अवहेलित तेरे ग्राउंड जीरो रे चासिंग का प्रकृत समस्या न देखी शासक दल एठी सेठी खाली राजनीति में व्यस्त रहुवा अभियोग पदमपुर तरुण साहू मलय भई और सुरेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।